आप सुन रहे हैं और देख रहे हैं 92.7 बिग एफएम। मैं हूं आरजे सिमरन आपके साथ, और आज हमारे साथ बिग स्पॉटलाइट में एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट, जिनके साथ मैंने आज एक ऐसे यू नो इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करनी है जिससे ना जाने कितनी सारी औरतें सफर कर रही हैं, और उस टॉपिक का नाम है PCOD। इससे जुड़े हुए सवाल हम पूछने वाले हैं, लेकिन किन से? डॉक्टर तबस्सुम से। लेट्स वेलकम डॉक्टर तबस्सुम, आपका बहुत बहुत स्वागत है बिग एफएम पर। डॉक्टर हाउ आर यू? फाइन थैंक यू मैम। आप प्लीज मुझे सिमरन बुलाइए डॉक्टर तबस्सुम। ओके, वी आर वेरी, वी डोंट जनरली डोंट गो वेरी फॉर्मल टू द, प्लीज हमारे साथ बी यू नो एज कैजुअल एज पॉसिबल। बट एनीवे, इससे पहले कि हम शुरू करें पीसीओडी की बात, मैं जानना चाहूंगी थोड़ा आपके बारे में, यू नो हमारे लिसनर्स को बताएं कि आज एग्जैक्टली हम क्या बात करने वाले हैं, और अपने बारे में थोड़ा बताएं, और आप हमदर्द वेलनेस सेंटर से कैसे जुड़ी हैं ये बताएं। मैं डॉक्टर तबस्सुम, एनएमडी मेडिसिन फ्रॉम जामिया हमदर्द। अगर मैं अपने बारे में थोड़ी आपको बताना चाहूं तो आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि मैंने यूनानी प्रीफर किया डेंटल के ऊपर। मैं अपने जब मैंने ग्रेजुएशन किया तो मैंने अपने एंट्रेंस एग्जाम मेडिकल क्वालिफाई किया, तो उसमें मुझे डेंटल का ऑप्शन मिला और मैंने यूनानी मेडिसिन को प्रीफर करा, क्योंकि ये एक कुदरती इलाज है, हमारे आम इंसान जिंदगी से बहुत ज्यादा करीब है, एक नेचुरल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। और उसके बाद मैंने वहां से ग्रेजुएशन करने के बाद जामिया हमदर्द से मैंने अपना एमडी का एंट्रेंस अपने पॉलिश के मुताबिक मैंने एंट्रेंस एग्जाम दिया इन द सेम ईयर, और मैंने वहां से भी एंट्रेंस में भी मैं टॉप रैंकर रही, फर्स्ट टॉपर रही, और मैंने एमडी मेडिसिन यूनानी प्रिफर किया। उसके साथ जब मैंने एमडी अपना पूरा क्वालिफाई किया, थ्रू आउट द एमडी सेशन आई एम द टॉपर ऑफ माय बैच, और आफ्टर एमडी मैंने मजीदिया हॉस्पिटल जो हमदर्द का यूनानी हॉस्पिटल है, मैंने वही एज एन आरएमओ काम किया। उसके साथ ही मतलब मैं यूनिवर्सिटी से ही एसोसिएट रही और वहीं से मेरा इंटरव्यू हुआ वेलनेस के लिए एज अ कंसल्टेंट, और मैं यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म पर ही मैंने इंटरव्यू किया वहाँ पे और मेरा सिलेक्शन हुआ माशाल्लाह से, और मैंने यहाँ पे हमदर्द वेलनेस ज्वाइन किया। और इट सीम टू बी वेरी प्लेजिंग मोमेंट कि जिस इंस्टीट्यूट से मैंने अपनी बेसिक एजुकेशन, मैंने अपनी हायर एजुकेशन ली, और वहीं से मैंने अपना एक करियर स्टार्ट किया, और हमदर्द इज ए गुड प्लेटफॉर्म टू स्टार्ट माई करियर आई थिंक। और स्टिल आई एम हेयर, आई एम मोर देन 5 years हेयर, एंड आई एम सीइंग द जनरल केसेस लाइक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, बिकॉज एंड आई एम डूइंग दैट जनरल मेडिसिन, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, फीमेल जनरल फीमेल केयर हेल्थ रिलेटेड डिसऑर्डर लाइक इज पीसीओडी, व्हिच इज द टॉपिक व्हिच आई एम गोइंग टू डिस्कस हेयर, और पीसीओडी से रिलेटेड इनफर्टिलिटी इशूज या उसके जो मैं कहूँ कॉम्प्लिकेशंस या जो एसोसिएटेड सिम्टम्स, जो सिंड्रोम्स हम कहते हैं जो इसके साथ एसोसिएटेड होते हैं, वो उनसे डील किया मैंने यहाँ पे। स्किन डिसऑर्डर से डील किया, जैसे स्किन में सोरिएसिस है, एक्ने है, बहुत सारे क्रॉनिक कंडीशंस है, जैसे एक्जीमा है जो कि बहुत ही लाइलाज, मतलब कन्वेंशनल थेरेपी में बहुत ही मतलब इनका जो रिजल्ट है बहुत ही मतलब स्लो है, बहुत मार्क नहीं है, तो उन केसेस को मैंने यहाँ ट्रीट किया। और अपार्ट फ्रॉम दैट वीमेन जनरल वीमेन हेल्थ केयर से रिलेटेड तो मैं यहाँ डील करती हूँ वो पेशेंट को। क्या बात है, वंडरफुल, सो गुड टू नो ऑल ऑफ दिस आपके बारे में भी और हमदर्द वेलनेस के बारे में भी। लेकिन अगर बात करें यू नो उन औरतों की जो पीसीओडी फेस कर रही हैं, तो उन औरतों के लिए हमदर्द वेलनेस किस तरह से फायदेमंद है, प्लीज आप हमारे लिसनर्स के लिए हाईलाइट करें। जो विमेन पीसीओडी, बेसिकली मैं पहले थोड़ा सा पीसीओडी से रिलेटेड आपको बताना चाहूंगी। पीसीओडी जो है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, नाउ इट इज बीइंग नोन एज या रिवाइज हुआ है पीसीओएस, पिकॉक्स। बच्चियां आती है मेरे पास कहती है पिकॉक्स, वो तो और ज्यादा शॉर्ट फॉर्म में चलती है, पहले तो थोड़ा सा ऐसे हो गया पिकॉक्स क्या, तो पीसीओएस, तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एज द नेम सिंबलाइज के इसमें बहुत सारे
ये सिर्फ एक ओवेरियन डिसफंक्शनिंग नहीं होती है, इसमें मेन ओवेरियन डिसफंक्शन होता है जो ओवरीज जो अंडकोश होते हैं हमारे, उनमें हार्मोनल इनसफिशिएंसी की वजह से बहुत सारे मैनिफेस्टेशन आने लगते हैं। जैसे बहुत कॉमन होता है इरेगुलर पीरियड होना, ठीक है, ज्यादातर बच्चों में यही होता है कि इरेगुलर पीरियड है। और सबसे बड़ी बात ये एक स्पेसिफिक नहीं है कि ये विमेन जो कि रिप्रोडक्टिव एज में है उसको होना। अब तो मेरे पास जो बच्चियां आती हैं वो 15 से लेके, जो कि जिनको अभी पीरियड स्टार्ट होता है मीनार के बाद से, 15 से लेके 35-40 तक को पीसीओएस होता है। रिप्रोडक्टिव एज में हर विमेन को पीसीओएस की समस्या होती है, उसमें बहुत कॉमन होता है पीरियड्स का इरेगुलर होना, जिसकी वजह से ज्यादा कॉमन भी आती है। और वो विमेन जो इसमें थोड़ा सा हॉर्मोन की इनसफिशियंसी की वजह से थोड़ा सा ओवुलेटरी डिफेक्ट होता है, यानी ओवुलेशन टाइम पे नहीं होता है, इसकी एन ओवुलेटरी साइकिल होने की वजह से वो इनफर्टिलिटी। तो कुछ बच्चे लोग जो मेरे पास आते हैं, जो बच्चियां आती हैं, वो ये होता है कि भैया हमें इनफर्टिलिटी भी है, इनफर्टिलिटी उनका मेन मुद्दा हो जाता है फिर तो। और फिर उसके साथ एक्ने की प्रॉब्लम होती है, हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है, एलोपेशिया होता है, ओबेसिटी, वेट बहुत ज्यादा होता है। कुछ बच्चियां आती हैं जो सिर्फ वेट को लेकर आती हैं, उनके हॉर्मोन्स से उनके रिलेटेड कोई भी इश्यूज नहीं होते, पीरियड्स वगैरह सब सही चल रहे होते हैं, लेकिन वो वेट को लेकर मैनेज नहीं हो पा रही, तो इन्वेस्टिगेट करते हैं हम। यहाँ पर जो हमारे वेलनेस पर होता है, जो हमारे यूनानी क्लासिकल में जो उसूल तशखीस है, जो हम डायग्नोज बनाने के लिए जो हम पैरामीटर पे मिजाज है सारी चीजों को हम देखते हैं, उनको उनके साथ साथ यहाँ पर हम एडवांस जो एडवांस टेक्निक है, जो मॉडर्न टेक्निक है, जैसे अल्ट्रासाउंड है, हार्मोनल असेसमेंट है, थायराइड है, FSH, बहुत सारे हॉर्मोनल असेसमेंट हो, प्रोलैक्टिन बेसिकली बहुत कॉमन होता है जो बच्चियां बड़ी होती हैं, हम उन सब चीजों को असेस करते हैं एक साइंटिफिक पैरामीटर पर, अपने जो ऑथेंटिकेट जो हमारी क्लासिकल में है कि हम किसी मर्ज को कैसे तशखीस करते हैं, जिसमें नब्ज आपको पता होगा, नब्ज हकीम साहब नब्ज दिखाना है, उन सारी चीजों को लेकर हम डायग्नोसिस को अपने और कंफर्म करते हैं, फिर हम अपना लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं, जिसमें हमारे पास बहुत सारे फॉर्मुलेशन है मैम, जो कि बेसिकली यूटेराइन टॉनिक है, और उनमें फाइटो हार्मोन्स होते हैं जिनके साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, ओके, ठीक है। अभी भी WHO का जो मेन प्रोटोकॉल है, जो ऑब्जेक्टिव है मेन WHO का आपका मैनेजमेंट के ऊपर, कि पहला उनका ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए, दूसरा है कि आप ट्रीटमेंट करें। तो हमारा तो है ही सेफ्टी और एफिकेसी से रिलेटेड अगर आप बात करें तो बहुत सेफ है, कौन नहीं जानता है, हर्बल है, नेचुरल है, और नेचुरल फाइटो हॉर्मोन्स है, और उनके साथ साथ यूटेराइन टॉनिक का भी है कि हमारे सिस्टम में है कि हम किसी ऑर्गन को टॉनिक, कार्डियक टॉनिक, रेस्पिरेटरी टॉनिक, यूटेराइन टॉनिक, उनके साथ उन कॉम्बिनेशन में, पॉलीहर्बल फॉर्मुलेशन में क्या है, फाइटो हॉर्मोन्स है जो रेगुलेट भी करते हैं पीरियड्स को, और उसके साथ साथ हिपैटिक मेटाबॉलिज्म को भी हमारे यहाँ बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया गया कि हिपैटिक मेटाबॉलिज्म भी होना चाहिए, क्योंकि जितने भी प्रिकर्सर्स हैं, जितने भी आपके हॉर्मोन्स के जो प्रिकर्सर्स प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं, वो सारा लीवर का होता है, और ये दोनों चीजें बहुत ही कोरिलेटेड होती है, तो हमारा हिपैटिक मेटाबॉलिज्म पे भी बहुत फोकस होता है, साइड इफेक्ट्स भी नहीं होते हैं, और हम जो उनके कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं, जैसे इनफर्टिलिटी है, बहुत बार क्या होता है PCOD वगैरह सब कुछ नॉर्मल हो गया, पेशेंट का वेट मैनेज नहीं हो रहा है, हम उन सब चीजों को मैनेज करते हैं, और बहुत एक्सपर्ट टीम यहाँ पे है जो कि इन सब चीजों को डील करती है, और इसी वजह से एक पैन इंडिया का कंसेप्ट हमारे वेलनेस के लिए है कि हमें पूरे वर्ल्ड, पूरे इंडिया पे, फिर वर्ल्ड वाइड इसको एस्टैब्लिश करना है, सो दैट पीपल गेट बेनिफिटेड बाय द हर्ब्स। Absolutely. Okay. और जिस तरह से आपने जीरो से इस चीज को समझाया है, यू नो आई थिंक हर एक शख्स जो इस वक्त इस इंटरव्यू को देख रहा है और सुन रहा है, उसको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, खास करके ऑल दी विमेन लाइक अस हु आर यू नो वॉचिंग इट एंड लिसनिंग टू दिस। तो अगर बात करें पता है, जी एक्चुअली पता है बहुत ज्यादा बच्चियां ना PCOD हो गई है, हाँ ऐसा लगता है जैसे कैंसर हो गया है, करेक्ट। और सबसे बड़ी बात, सबसे ज्यादा वो लोग डर जाती हैं कि अब इसका इलाज ही नहीं होगा, और 14-15 साल की बच्ची आती है वो इस चीज से डरी होती है कि अब मुझे ये हो गया है तो अब मुझे बच्चे नहीं होंगे, तो मैं शादी करूं या ना करूं, सोशल नॉर्म भी वाली चीज आ रही है ना, तो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो गया है, तो वी हैव टू मेक एन अवेयर दैट वी हैव अ ट्रीटमेंट एंड दिस इज सेफ ट्रीटमेंट वी हैव। Correct, correct. And then this causes a lot of stress for such young women, आपने जैसे कि कहा, so बहुत बड़ा फैक्टर,
जी 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 एब्सोल्युटली. सो आई होप इस यू नो इस कॉन्वर्जेशन से हमारे लिसनर्स को फायदा हो, दैट यू नो इट इज ओके, इट कैन बी ट्रीटेड. लेकिन अगर मैं डॉक्टर तबस्सुम बात करूं, पीसीओडी के लिए ये जो यूनानी ट्रीटमेंट है वो कितना कारगर साबित होता है? आपने थोड़ा इसके बारे में इनिशियली मेंशन किया था, तो प्लीज हमें थोड़ा इसके बारे में और बताएं. मैम, अगर कारगर या एफिकेसी की बात करें तो जो हमारा अप्रोच है जो पेशेंट को ट्रीटमेंट करने का, पीसीओडी का या किसी भी डिजीज से रिलेटेड जो हमारा यूनानी का अप्रोच होता है, वो एक होलिस्टिक अप्रोच होता है. हम एक इंडिविजुअल के ऊपर हम मर्ज का इलाज नहीं करते, हम मरीज का इलाज करते. यहाँ इंडिविजुअलिटी वाली बात आ जाती है. जैसे मैंने बताया ये सिंड्रोम है, इसमें हर पेशेंट में जरूरी नहीं है कि एक ही जैसा ट्रीटमेंट आएगा, जो कि कन्वेंशनल ट्रीटमेंट में है कि वो लोग क्या हार्मोनल थेरेपी देते हैं और पीरियड्स को रेगुलेट करने के लिए, और दूसरा आता है कि इंसुलिन सेंसिटाइजिंग एजेंट देते हैं क्योंकि मेल हार्मोन जो एंड्रोजन होता है वो बढ़ चुका होता है, तो उसको कम करा जाए, इंसुलिन की रेजिस्टेंस को कम करा जाए, क्योंकि ये प्री डायबिटिक केसेस भी होते हैं. जो पीसीओएस के पेशेंट होते हैं प्री डायबिटिक भी होते हैं, वहां मेटफॉर्मिन वगैरह चलता है जो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट की, जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट की बात है. लेकिन हमारा वो नहीं है, हम यहाँ पे एक होलिस्टिक अप्रोच लेते हैं. पेशेंट टू पेशेंट वेरिएशन होता है. अगर इनफर्टिलिटी से रिलेटेड आता है तो हम उनको उसी हिसाब से नुस्खे देते हैं जिससे उनका एएमएच भी इंप्रूव होता है, फर्टिलिटी भी होता है और पीसीओएस भी मैनेज होता है. पीसीओएस पर्सिस्टिव होता है, पेशेंट कंसीव हो जाती है, वो उस टाइम में उसका ट्रीटमेंट ये होता है कि भैया मुझे बच्चे चाहिए. हमें तो सोल्यूशन से मतलब है, सोल्यूशन अच्छा हो जाता है, सेफ भी हो जाता है, बहुत इफेक्टिव. मैं देखती हूँ इवन 0. मेरे पेशेंट पर्सनल 0.04 एक का एएमएच था. दो तीन पेशेंट्स मेरे नजर में ऐसे आए और उनका एएमएच एंटी मुलेरियन हार्मोन जो हम बताते हैं कि अंडे के रिजर्वॉयर कितने, वो 4 तक चले गए. इतना अच्छा इफेक्ट है और कंसीव भी होती है. ओपेसिटी से रिलेटेड अपार्ट फ्रॉम दैट हम जो मैनेजमेंट देते हैं हम उसमें हम रूट कॉज को ट्रीट करते हैं, जो उसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं हम उसको ट्रीट करते हैं, और वी फाउंड अ वेरी गुड रिजल्ट. बीइंग अ फिजिशियन, जो मैं इतने साल से डील कर रही हूँ अपने पेशेंट्स को, आई कैन से दैट के वेरी पॉजिटिव रिजल्ट मेरे पेशेंट में दिखता है, चाहे वो जिससे भी हो. अपार्ट फ्रॉम दैट मैम, ये लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है. पीसीओडी इज ए लाइफ स्टाइल एंडोक्राइन डिसऑर्डर, यानी हॉर्मोनल एबनॉर्मलिटी होती है, लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है. हमारे यहाँ जो पहला उसूल है इलाज का, वो हम कहते हैं इलाज बिल तदबीर, यानी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन. उसमें 6 चीजें आती है, जिसमें स्लीप से लेके आपके खाने पीने से लेके आपके एक्सरसाइज से लेके आपको किस वातावरण में रहना है, कैसे आबो हवा में रहना है, इन सब चीजों पे फोकस करते हैं. क्या बात तो है? हम एक होल अप्रोच थ्रू पेशेंट्स को डील करते हैं. शायद यही वजह है कि यहाँ जो मैं अपना पेशेंट का देखती हूँ कि बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है और कोई साइड इफेक्ट भी नहीं. वंडरफुल, क्या बात है. तो डॉक्टर तबस्सुम, ये तो आपने बहुत डिटेल में हमें बताया यूनानी ट्रीटमेंट के बारे में, लेकिन ट्रीटमेंट तक पहुंचने की नौबत ही ना आए या इस सिंड्रोम को फेस करना ही ना पड़े, इसके लिए कुछ ऐसी बातें जो लोग हष्ट पुष्ट है, स्वस्थ है, उनको ऐसी कौन सी बातें हैं जो माइंड में रखनी है, हमारे लिसनर्स को आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज मेरा यही रहेगा कि आप अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करिए. अपने लाइफ स्टाइल, अपने सोने जगने का अमल, जो बच्चियां रात में पता चल रहा है अपनी पूरी सिंकार्डियन साइकिल ही खराब कर दे रही है, बिकॉज बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकली स्ट्रेस नहीं लीजिए. नफ्सियाती तौर पर भी आपको बहुत रिलैक्स रहना चाहिए. देखो जो चीजें मिलनी है वो मिलेंगी. इंसान को एक लेवल तक स्ट्रेस करके उस चीज को अचीव करने के लिए अपने पॉजिटिव आउटकम देना चाहिए. बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन रिलेटेड है आपके स्ट्रेस से. हॉर्मोन्स का पूरा एचपीओ एक्सेस जो होता है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है आपके स्ट्रेस से. आपको एक प्रॉपर स्लीप लेना बहुत ज्यादा जरूरी है. और तीसरी बात कि अपने खाने पीने का हिसाब, क्या चीज खाना है क्या चीज नहीं खाना है. जैसे पॉमग्रेनेट, अनार खाइए, अनार को बीजों के साथ खाइए, उसके अंदर ईस्ट्रोजन हार्मोन्स होते हैं. थोड़ा नेचर की तरफ आइए, नेचर को लव करिए, अपने डिजीज से रिलेटेड, अपने हेल्थ से रिलेटेड नेचर में चीजों को ढूंढिए. और हमदर्द इज ए गुड प्लेटफॉर्म टू सर्च देयर, एंड वी आर हेयर टू सर्व यू डियर, डोंट वरी, वी आर हेयर. हम हर चीज का इलाज करते हैं. इस कोविड के टाइम में इतनी महामारी हुई, कितनी जाने चली गई. मैं आपको सच बताऊं तो आई फील वेरी सॉरी. इवन फर्टिलिटी से रिलेटेड भी वीमेन्स को देखा के जिनको मतलब प्रॉपर मैनेजमेंट ना मिलने की वजह से जिनकी इतनी प्रीशियस प्रेगनेंसी रही वो लॉस हुई.
आई फील वेरी रिग्रेट, मतलब बहुत ज्यादा अफसोस की बात है हमारे लिए कि इतना एडवांस मैनेजमेंट होने के बाद हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, और हमारे टीम ने तबीयत को यानी इम्यूनिटी को उसूल, मतलब मेन बुनियादी उसूल है कि अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करो। तबीब या फिजिशियन या कोई भी इंसान, वो आपका बस आपकी वो इम्यूनिटी को उस तबीयत के लिए इस्लाह करता है। असल मौलिक जो असल जो फिजिशियन है जो डिजीज को ट्रीट करता है वो है आपकी इम्यूनिटी। और इम्यूनिटी से रिलेटेड भी वी हैव अ वेरी गुड फॉर्मुलेशन लाइक खमीरा मरवारी खास, ये आम भाषा में यहाँ पर आते हैं लोग लेने के लिए, सच्चे मोती का खमीरा आप दे दीजिए, ठीक है ना। और ये बहुत ही पोटेंट इम्यूनो बूस्टर है, तो आप इसे कोई भी ले सकता है। मैं ऐसा मार्केटाइज नहीं कर रही हूँ इस चीज को, बट लोगों को अवेयरनेस नहीं है। अश्वगंधा कौन नहीं जानता है, बहुत पोटेंट इम्यूनो बूस्टर है। एंटीसाइकोटिक, आप मतलब स्ट्रेस आपका रिलीव करेगा, आपको प्रॉपर मतलब आप उसे भी यूज कर सकते हो, एक बेहतरीन टॉनिक का काम करेगा आपके लिए। आयुष जो शाना आया यहाँ पे वो भी बहुत अच्छा है, मतलब उसको भी आपने कोविड के टाइम में ही हमारे हमदर्द ने उसे लॉन्च किया, और एक काढ़े का आयुष काढ़ा आपने सुना होगा, दालचीनी वगैरह डाला हुआ है, तो उसके अंदर वो बहुत सारी चीजें हैं। घर पे बहुत सारे माम चीजें होती हैं जो मसाले, दालचीनी, लौंग, इलायची वगैरह से आप काढ़ा बना के पी सकते हो। आपकी इम्यूनिटी को बेसिकली मेरा कहने का ये मतलब है, लाइफ स्टाइल मॉडिफाई करो अपना, एक हेल्दी लाइफ पैटर्न की तरफ आओ, और दूसरा अपने खान पीन को बहुत बैलेंस करके चलो, बहुत ज्यादा जंक की तरफ मत जाओ, अपने वेट को मैनेज करो, जिसके लिए एक रेगुलर एक्सरसाइज आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, और उसके साथ साथ अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करो, स्ट्रेस नहीं करो, मेहनत करो, जितना आपको मिलना है वो आपको मिलेगा, आप मेहनत करिए बस, लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रेस मत करिए, क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रेस ही है जिससे पूरा आपका जो ये एचपीओ एक्सेस कहते हैं, जो पूरा इसके लिए जो हमारे हॉर्मोन से रिलेटेड एक मेन हमारे पीरियड्स को लाने के लिए, उसको टाइम पे बंद करने के लिए और आगे के लिए फर्टिलिटी के लिए जो जरूरी होता है, वो पूरा का पूरा साइकिल आप डिस्टर्ब करते हो। फिर अननेसेसरी आपको अलग अलग दवाइयों के अलग अलग डॉक्टर पास भागने की जरूरत पड़ जाती है, वो एक और हैजल ही है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सो मतलब कुछ बातें तो इसमें से ऐसी थी जो हमें ऑलरेडी पता हैं, बट वही होता है कि वी जस्ट टेंड टू इग्नोर ऑल दीज थिंग्स, लेकिन अगर हमें हाँ तो बस बताती हैं या कोई एक्सपर्ट यहाँ पर आकर बताते हैं तो हम उस पे और ज्यादा तवज्जो देते हैं। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर तबस्सुम, इट वाज सो गुड टू हैव यू ऑन द शो, बड़ा अच्छा लगा, बहुत इंसाइटफुल बातें आपने यहाँ पर बताई, बड़ी अहम बातें। आई होप यू नो जितनी भी औरतें इस वक्त हमें सुन रही थी, देख रही थी, उन्हें इससे जरूर बेनिफिट मिला हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू।